पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू टू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन, यानी कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो इसमें म्यू वन डेंसर है और म्यू टू रेयरर है। आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, वन बाई म्यू डेंसर एंड रेयरर। और मैंने बताया डेंसर कौन है इसमें, वन, और रेयरर कौन है इसमें, टू। इसको ऐसे ध्यान से करना है, डेंसर और फिर रेयरर। इसको ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करके, ब्रेक करना आता है सबको। म्यू टू ऊपर है तो टू नीचे, वन नीचे है तो वन ऊपर, रेसिप्रोकल ले लें, म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू की वैल्यू वन है, म्यू वन की वैल्यू रूट टू है, तो ये वन बाय रूट टू है। साइन सी वन बाय रूट टू है, तो सी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो रूल लगाना कैसे समझ में आ रहा है, रूल यही है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, इसमें वन डेंसर है और टू रेयरर है, वन डेंसर है टू रेयरर है। तो यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कि कैसे लगाना है इसमें रूल, ठीक है। नेक्स्ट है दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इज गिवन और एयर इज गिवन। देखो ये v गिवन और ये c गिवन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v डिवाइडेड c डिवाइडेड बाय v, c डिवाइडेड बाय v। तो यानी कि c पता है, v पता है, तो म्यू तो आ ही जाएगा, तो डिवाइड करके म्यू आएगा। आपको क्या करना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, वन बाय म्यू, म्यू पुट कर देना यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल निकाल लेना, आंसर आ जाए। मेथड समझ में आ रहा है, तो स्पीड से पहले म्यू निकलेगा और म्यू से क्रिटिकल एंगल निकलेगा। कोई डाउट इसमें, ठीक, एनसीईआरटी की शीट है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ऐसे चलती है, सिंपल तरीके से चल रही है। क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर इज सराउंडेड बाय कोटिंग। अब ये डेंसर है और ये रेयरर है, छोटा है ना, क्रिटिकल एंगल निकाल लो, हो जाएगा। तो साइन ऑफ सी का फॉर्मूला फिर से लगा लेना, वन बाय म्यू डेंसर एंड रेयरर, और इसे ब्रेक कर लेना और साइन सी से वैल्यू आ जाएगी। ब्रेक करना सबको आता है ना, कि ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, म्यू बाय म्यू डेंसर नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, रेयरर ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगी ऐसे। तो डेंसर बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयरर छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको पुट कर देना है। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी के अंदर फाइनल्स में आती है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। देखो जरा क्या प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन है अरे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस बी ए, तो एक प्रिज्म है और रे बिल्कुल नॉर्मली 90 डिग्री पे इसके ऊपर हिट कर रही है। आपको इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, 1.5 है। कह रहे रे डायग्राम बनाओ और ये बताओ कि ये रे के दो केस बन सकते हैं, ये रे नॉर्मल के साथ आ रही है तो यहाँ पर तो इसकी बेंडिंग नहीं होने वाली, ना ये रिफ्रैक्शन करने वाली है, तो ये तो सीधी ही चलेगी। यहाँ पे या तो रे टकरा के अंदर ही रह जाएगी, तो इसे बोलते हैं TIR हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो रिफ्रैक्शन तो हो ही जाएगी और ये प्रिज्म से निकल के हवा में आ जाएगी। आप इसके चक्कर में मत पड़े, तुम्हें गिवन नहीं होगा ये, तुम्हें वो गिवन होगा, और तुम्हें ये बताना होगा कि बताओ फाइनल डायग्राम रे का क्या क्या बना। ये रे फाइनली बाहर निकली या इसका TIR हुआ, ये आपको बताना है। ज्योमेट्री आपको पहले ड्रॉ करनी है, ये बताओ कि ये रे बाहर कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। इसके लिए काम करना पड़ेगा, आप स्केल लें, सीधा स्केल से यहाँ ज्वाइन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकती। नेक्स्ट है, तुम्हें 60 पता है, 90 पता है, ये 60 तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी कितना है, 60 60 60। ये 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल में ये 60, ये 90, तो ऑटोमेटिकली ये कितना, 30। क्या खास बात है इसकी, खास बात ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ ये जो तुमने एंगल बनाया इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हें पता लग गया कि लाइट ने कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से इसमें एंट्री की थी। अब कंडीशन क्या है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी आएगा तुम कैलकुलेट कर लो कितना आया, 30 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़ा है फिर तो TIR होगा, और अगर छोटा है तो TIR नहीं होगा। पर इसके लिए तुम्हें क्या ढूंढना पड़ेगा चेकिंग के लिए, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल ढूंढना कौन सा मुश्किल है, साइन ऑफ सी क्या होता है, 1/μ, और म्यू कितना है, 1.5। तो साइन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 1.5, यानी कि 3/2, रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, 2/3, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास साइन ऑफ सी की ये वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम है, मैं पेपर में फंस गया, मैं सी कैसे निकालूं, है ना, तो सी कैसे आएगा। तो एक मैं क्वेश्चन छोड़ दूं, और बात पक्की है ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कैसे, अपने मन में ये सोचो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ, 0.5 होती है। अब आपकी वैल्यू 0.5 से तो ज़्यादा ही आई है, आपका एंगल क्रिटिकल 30 तो नहीं होगा, 30 से तो ज़्यादा ही होगा, पक्की बात है, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि 30 डिग्री पे तो वैल्यू 0.5 आती है, ये तो 0.5 से भी ज़्यादा आई हुई है, तो 30 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आपकी वैल्यू 30 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है लेकिन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सिर्फ 30 है, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, क्रिटिकल तो 30 डिग्री से बड़ा आएगा, और तुम्हारा आई कितना है इसमें, सिर्फ 30, इसका मतलब TIR नहीं होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, तो TIR नहीं होगी। और अगर TIR नहीं होगी, लाइट वापस नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगी, लाइट बाहर निकल जाएगी, बात खत्म। ये तुमने ड्रॉ करके आना है और ये बोल के आना है कि क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम है तो इस केस में TIR नहीं होगी, इस केस में लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। कोई डाउट है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे चेक करना है। तो इस वैल्यू पे ध्यान मत देना, ये वैल्यू सिर्फ चेक करने के लिए होती है, या आप अप्रोक्सीमेशन से चेक करेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो ग्लास टू एयर, देखो जब ग्लास से एयर है, पहले ये बता दो जो ग्लास है 1.5 है और एयर क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। देखो वो कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल रिफ्रैक्शन का क्या हो सकता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि इससे ज़्यादा एंगल अगर हो गया फिर तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, फिर वो रिफ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो लास्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या रहती है, सिर्फ 90 रहती है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो लास्ट वैल्यू आपने क्या इसमें मार्क करनी है, इक्वल टू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर ल्यूमिनस अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एस इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ अ बिग पूल ऑफ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड हाइट उसकी एच है। कह रहे द ऑब्जेक्ट एस एमिट्स रे अपवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस सो दैट सर्कल ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड बाई द रेज विच आर रिफ्रैक्टेड इन टू द एयर। वॉट हैपन्स टू द रेज बियॉन्ड द सर्कल एंड डिटर्मिन द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। देखो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स एक ही स्टाइल से आपको बहुत प्रॉब्लम मिलेंगी, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है। सोल्यूशन ये है और क्वेश्चन क्या है ये देखो, सपोज एक पूल है, कोई भी कंटेनर है, पूल है, कुछ भी दे देगा, कोई फर्क ना पड़ता। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये सोर्स है, लाइट का सोर्स है एस। अब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, अब जोर लाइट की रे सीधी निकलेगी वो तो बेंड होती नहीं, उसकी रिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, वो तो बाहर निकली जाएगी। लेकिन कुछ रेज ऐसी गई और ये इसका क्या है, नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्ट हो गई और बाहर निकल गई। देखो कुछ रेज क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ रेज ऐसी होंगी जिन्होंने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रखा है, क्रिटिकल, अब वो सरफेस के साथ चली जाएंगी, अब उनकी रिफ्रैक्शन तो होगी नहीं, बस वो तो सरफेस के साथ ही चली जाना स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे,
क्योंकि एंगल क्या बना हुआ है, इक्वल टू क्रिटिकल, और जो रेज ग्रेटर देन क्रिटिकल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है ग्रेटर देन क्रिटिकल, वो तो इस कंटेनर के अंदर ही आ जाएंगी, अंदर ही आ जाएंगी, वो तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं। तो आपकी लाइट इस पूल में से, अगर आप किसी भी स्विमिंग पूल के नीचे भी चले जाएं और अगर आप एक बल्ब को ऑन कर लें, मत सोचना कि पूरी रोशनी पूरी पूल में से बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? आपकी लाइट, रेज ऑफ लाइट ऊपर जाएंगी और कुछ पोर्शन में से ही बाहर निकलेंगी, बाकी लाइट जाएगी लेकिन पूल के अंदर ही रह जाएगी, बिकॉज उसकी क्या हो जाएगी, टी आई आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये देखो इस तरीके से, नहीं ठीक नहीं लगा कॉन्सेप्ट, नहीं ठीक लगा, ठीक है अभी लग जाएगा। ये देखो, जैसे सपोज थोड़ा बड़ा पूल ले लेते हैं, शायद कंटेनर में बात नहीं बनी होगी, ये लो ये एक पूल ले लो, ये लो आप एक बल्ब रखो, ये लो एस। तो मैंने टी आई आर का डायग्राम भी कराया था, एक सोर्स है, रेज ऑफ लाइट जो सीधी जा रही है वो तो सीधी जाएंगी, ये तो बाहर निकलेगी। तो मान लो बाहर खड़े हो और नीचे क्या है, लिक्विड है, ये लो नीचे लिक्विड है। अब जो रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी उसकी रिफ्रैक्शन होगी, ये भी बाहर निकलेगी, बिल्कुल बाहर निकलेगी, लेकिन जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी सच दैट इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो क्या बन गया, इक्वल टू क्रिटिकल, वो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, वो सरफेस के साथ चली जाएगी, वो तो हवा में बाहर नहीं आएगी। और जो रे ऑफ लाइट फर्दर इस तरीके से इंसिडेंट होंगी जिनका एंगल ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल, वो रे ऑफ लाइट तो पानी के अंदर वापस ही आ जाएंगी कुछ ऐसे, वो तो बाहर निकल नहीं पाएगी। अब ये डायग्राम तो 2D में है, पूल तो 3D, पूरी 2D ऐसे चल रहा है, पूल में पानी ऐसा है, तो सेम डायग्राम इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी हर तरफ, तो आपको ये टॉप का सरफेस क्या नजर आएगा, सर्कुलर ऐसा, तो हर तरफ से निकलेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है? तो लाइट इधर से नहीं निकलेगी, बस इतने पोर्शन से ही बाहर निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये निकालना होगा कि इसका एरिया कितना है लाइट का जहाँ से वो बाहर निकलेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा कंटेनर में करना है, ठीक है, ये रहा कंटेनर, सेम डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो ये सोर्स है एस, इस सोर्स में जो लाइट सीधी गई उसको सीधे जाने देते हैं ऐसे, ये सीधी गई, जो लाइट यहाँ पे आई इक्वल टू क्रिटिकल ऐसे बनाते हैं, ये देखो ये क्या है, इक्वल टू क्रिटिकल। और ये रहा जहाँ से लाइट का पोर्शन, जहाँ से लाइट को बाहर निकलना है, बस इतने पोर्शन में लाइट बाहर निकलने वाली है, इधर से नहीं निकलेगी। तो ज्योमेट्री ये कहती है कि इसके अंदर ये जो हाइट है कंटेनर की वो h है, ये जो रेडियस है वो r है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि लाइट कितने एरिया से बाहर निकल रही है, और तुम्हें h गिवन होगा, ये गिवन है, तुम्हें r नहीं गिवन होगा। तो तुम ये ज्योमेट्री बनाना, अगर ये c है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी c है, ये c है तो ये भी c है, तो तुम साइन ऑफ c तो निकाल ही सकते हो। टी आई आर के अंदर क्या रूल है, साइन c का 1/μ, तो म्यू तुम्हें गिवन होगा, वहां से साइन सी आ जाएगा, साइन सी की वैल्यू आएगी, तो वहां से आप क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ सी लगा लेना, टेन ऑफ सी क्या है, आर डिवाइडेड बाय एच, तो आर की वैल्यू क्या है, एच इंटू टेन ऑफ सी, तो आर की वैल्यू एच इंटू टेन सी। अब साइन सी की वैल्यू तो तुम्हारे पास है ही है, आप इमेजिन करेंगे सी है, साइन सी का मतलब क्या होता है, ये वन और ये म्यू होना, 1/μ, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, पाइथागोरस है, यहां से टेन सी क्या आएगा, टेन ऑफ सी आएगा यहां पे 1/√μ²-1, और एरिया जहां से लाइट बाहर आएगी उसकी वैल्यू क्या है, पाए आर स्क्वायर, इस आर को यहां पुट करके एरिया की वैल्यू आएगी। किसी भी न्यूमेरिकल में यही कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें बल्ब पानी के अंदर होता है और लाइट बाहर निकलती है, वो तुमसे एरिया पूछे, तुमसे रेडियस पूछे, तुमसे कुछ भी पूछे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चलता है। तुम्हारा जो क्वेश्चन अभी असाइनमेंट के अंदर पूछा वो एग्जैक्टली यही है कि आपको ये बताना है कि रेडियस और एरिया ऑफ द सर्कल जिससे लाइट बाहर निकल रही है, जो अभी मैंने ये बोर्ड पे करके दिखाया वो एग्जैक्टली यही करके दिखाया। तो तुमने रेडियस कैसे निकाला समझ में आया ऐसे, और तुमने एरिया कैसे निकाला पाई आर स्क्वायर से।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल इसमें लगेगा, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको इसमें लगाना है और आंसर निकालना है। सेम देखो, ये बुक्स में ऐसे डायग्राम को बहुत देखेंगे दूर से, तो एनसीईआरटी के असाइनमेंट है उसके अंदर बहुत देखेंगे आपको इस टाइप से। तो ये समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसका। जो नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन करके देख लो एक बार आप, सेम है एरिया, सेम क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज़ के साथ है, वैल्यूज़ के साथ है, ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और एक जार गिवन है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, टू अ हाइट ऑफ, हाइट भी पता है, बल्ब को नीचे लगा दिया, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस थ्रू विद द लाइट ऑफ द बल्ब पासेस इनटू द एयर। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, रेडियस दे तो रहा है वो 20, पाई आर स्क्वायर सीधा नहीं लगा सकते, वो तो जार का गिवन है, पर जार में से लाइट थोड़ा आ रही है, लाइट तो कुछ पोर्शन में से आ रही है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तुम्हें जार बड़ा दिया हुआ है ऐसा, ये एक जार है और तुम्हें पूरे जार का रेडियस गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर है, जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को ये पूछा जा रहा है कि अगर ये सोर्स है बॉटम पे तो सोर्स से लाइट कितने एरिया से बाहर निकल रही है, तो सोर्स से लाइट कितने एरिया से बाहर निकल रही है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल, और मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है बस, तो मुझे तो ये आर चाहिए, मुझे वो आर चाहिए ही नहीं है। अब कंटेनर का रेडियस क्या करूँगा, तुम तो अपना क्वेश्चन स्विमिंग पूल में भी कर लोगे, तो पूल का रेडियस क्या करूँगा, मेरी लाइट तो छोटे से पोर्शन से ही बाहर आने वाली है, तो मैं इंटरेस्टेड सिर्फ इस आर में हूँ, पूरे चार के अंदर नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें हाइट गिवन है एच, एच की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर हाइट भी गिवन है, और तुम्हें म्यू भी गिवन है कितना, 1.5। तो क्या रूल है ये, अगर सी है, अभी क्या सिखाया, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा सी, पहला रूल क्या सिखाया, साइन ऑफ सी क्या है, वन बाय म्यू, टी आई आर का फॉर्मूला है, और साइन ऑफ सी क्या है, 1/1.5, साइन ऑफ सी क्या है, 1/1.5 क्या होता है, 3/2, साइन ऑफ सी क्या है, 2/3। तो आपके पास साइन सी की वैल्यू आ गई कितनी, 2/3। कोई डाउट इसमें, साइन सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक संभाल के रख लेते हैं इसे। आपको यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ सी का मतलब क्या है, आर बाई एच। अब क्योंकि तुम साइन सी निकाल चुके हो कितना, 2 और ये 3, तो ये क्या आएगा, ये अंडर रूट ऑफ 9 - 4, तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 5। तो टेन सी की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। तो आप यहां पर पुट कर लो 2/√5 इज इक्वल टू आर बाई एच, कितने, 20 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू आ गई 2/√5 × 20, तो एरिया की वैल्यू आ गई कितनी, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पुट करके एरिया निकाल लेना आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था, बस वो वेरिएबल्स की फॉर्म में था और या न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें? तो कैसे TIR की इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझ में आता है, ठीक। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा यहाँ से। एट्थ क्वेश्चन होमवर्क है, बिकॉज इसी पैटर्न पे सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज बहुत वैरायटी है मेरे पास क्वेश्चन करने की। तो नेक्स्ट 24A जो अगली सब्जेक्टिव शीट है, 74A सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और वो बॉटम ऑफ द ट्रफ ऑफ द वाटर के नीचे पड़ी हुई है। तो आपको डायग्राम वो दे रहा है, ये बीकर है जिसमें वाटर है और नीचे ग्लास स्लैब है। तो मैं ये सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, कौन रेयरर है और कौन डेंसर है, जो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगेंगे। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और 3/2 इज ग्रेटर देन 4/3। तो ग्लास डेंसर है और वाटर
रे रहा है। तो लाइट वो कह रहा है, डायग्राम वो दे रहे, लाइट 50 डिग्री पे यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है, 50 डिग्री पे इसकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ये एंटर करती है और फिर ये ग्लास स्लैब में एंटर करती है, एक और रिफ्रैक्शन हो रही है, पहले एयर से वाटर में, फिर वाटर से ग्लास में। आपको निकालना है कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, ग्लास के अंदर ये आर क्या बना ये बताओ, ग्लास के अंदर आर डैश क्या बना ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रही है, दो बार। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टी आई आर का नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, क्यों, ये टी आई आर की प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों, टी आई आर की बेसिक कंडीशन क्या है, टी आई आर होने के लिए डेंसर टू रेयरर, लाइट को ट्रेवल करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और यहाँ पर कैसे रेयरर टू डेंसर, यहाँ भी रेयरर टू डेंसर, क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर 50 डिग्री पे लाइट एंटर करती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो पहले तुम क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे स्नेल्स लॉ, और मैंने स्नेल्स लॉ कैसे सिखाया था, ये म्यू की वैल्यू 1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। तो तुम स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 × sin of 50 इज इक्वल टू म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर। तुम्हें म्यू वाटर क्वेश्चन में गिवन है 4/3, तो यहां से सॉल्व करके तुम क्या कर सकते हो, साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है, साइन आर आ गया, पर तुम्हें क्या निकालना है, आर डैश। अगली रिफ्रैक्शन कहां हो रही है, यहां पे हो रही है, एक बार फिर से लगाओ स्नेल्स लॉ। इस बार म्यू वाटर से लाइट कहां पर जा रही है, म्यू ग्लास में, तो यहां पे स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आर इज म्यू ग्लास इंटू साइन ऑफ आर डैश, सही है। तुम्हारे पास म्यू वाटर तुम्हें पता है 4/3, साइन आर तुम यहां से निकाल लेना, जो यहां आएगा वही यहां आएगा, म्यू ग्लास तुम्हें पता है, और सारी वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ आर डैश की वैल्यू आएगी, वहां से आर डैश आ जाएगा। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम टी आई आर की नहीं है, ये प्रॉब्लम रिफ्रैक्शन की है, दो बार स्नेल्स लॉ लगाओ और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो कैसे स्नेल्स लॉ लगता है समझ में आ रहा है, और कैसे इस क्वेश्चन को समझना है ये भी क्लियर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस कितना 0.1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट। चलो हमने कर लिया, लेटरल शिफ्ट को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, लास्ट टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, हाँ ये हो चुकी, लास्ट टाइम की थी हमने असाइनमेंट, ये हमने असाइनमेंट कर लिया, ठीक है। 74 के बाद 74B पे आना है, 74B यहाँ से, ये भी एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन। अ फिश भी सनसेट देखना चाहती है, अब फिश का सनसेट कैसे दिखता है ये डिस्कस करो। फिश का सनसेट ऐसे है, जब एक्चुअल में सनसेट हो रहा है तो सन यहां पर देखो, ये पानी है, फिश मान लो यहां पर है, और सन को एग्जैक्टली यहाँ पे होना है तभी सनसेट सही माना जाएगा। अब हमें पता है कि ये सनसेट हो रहा है, अब सनसेट में जो अगर कोई भी मतलब हम भी अगर किसी भी डायग्राम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिश भी देखती है, तो रेज हमेशा कहाँ से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से रे निकली और फिश की आँख में जानी चाहिए, और क्योंकि रे एग्जैक्टली इसके साथ चल रही है, बिल्कुल सनसेट है, तो इसको बेंड होना है, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल और वो ऐसे जाएगी। अब कोई कहता है कि ऐसे जाएगी तो ये एंगल क्या बनेगा, गारंटेड क्रिटिकल बनेगा,
आपको कि लेकिन टी आई आर तो हो नहीं सकती क्योंकि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, आप टी आई आर की बात भी कैसे कर सकते हो? देखो ना, आप रिट्रेस करके देखो पाथ को, इमेजिन करो कि अगर रे को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो तो यही पाथ फॉलो करेगी। अगर आपकी ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो लाइट तो वो यहाँ पे आके मिलेगी, उल्टा भी ट्रू है क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर पाथ जो है रिट्रेस हो जाता है, तुम यहाँ से रे भेजोगे यहाँ जाएगी, तुम यहाँ से भेजोगे यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने वैसे टी आई आर हो नहीं रहा पर क्वेश्चन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ टी आई आर कि अगर रे बिल्कुल इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है तो इसकी आईज में इस तरीके से जाएंगी और ये एंगल क्या बनाएगी, क्रिटिकल ही बनाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा वर्जन है, हम ऐसा कह रहे हैं कि देखा सनसेट हो रहा है, देखा फिश को ये दिखेगा। अब फिश से पूछो, फिश कहती है मेरे को क्या लेना देना, ये सन से रे आई, मुझे क्या पता बेंड होके आ रही है, मेरे को तो इतना पता है मेरी आंख में डायरेक्ट आ रही है, मैं तो सीधी लाइन ज्वाइन करूंगी और मेरे को सन यहां दिखेगा। तो एक्चुअल में सनसेट हो गया बट फिश को अभी सन कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो तुम्हें अगर ये आईसी पता है तो वर्टिकल ऑपोजिट से ये भी आईसी है तो तुम ये आईसी निकाल सकते हो। कैसे? साइन सी इज इक्वल टू 1/μ करके, साइन ऑफ आईसी 1 में म्यू करके वैल्यू आएगी। खैर ऐसे एंगल पेपर में नहीं आते पर इसको अगर सॉल्व करें तो क्रिटिकल एंगल कितना आता है, 48.7 आता है। तो आपको क्रिटिकल एंगल पता लगता है, क्रिटिकल एंगल का मतलब ये एंगल पता लग गया। अब सन एक्चुअल में यहाँ पे है, फिश को यहाँ दिख रहा है, कितना एंगल शिफ्ट दिख रहा है, 90 में से आईसी को क्या कर दें, माइनस 90 में से आईसी को माइनस करके 41.3, तो आप ये बोलेंगे कि फिश को 41.3 एंगल सन जो है शिफ्ट होकर दिख रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट फिश और सन के ऊपर कैसे लगते हैं, तो वो शिफ्ट करके उसको सन दिखेगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, इस एग्जांपल में ये लिक्विड है, ये एयर है और मुझे दिख रहा है कि एक रे बिल्कुल कोने से निकली और बिल्कुल सरफेस के साथ चली गई, और अगर ऐसी चली गई पक्की बात है ये एंगल तो क्रिटिकल एंगल बनेगा ही बनेगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इस लिक्विड में क्या होगा, लाइट की स्पीड क्या, ये बताओ। देखो लाइट की स्पीड अगर निकालनी है तो आपको लिक्विड का क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सी तो पता ही है, म्यू मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करके क्या जाएगा, वी आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, तो वैल्यू आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है म्यू कैसे निकलेगा, अब क्योंकि तुम्हें पता है ये क्रिटिकल तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्रिटिकल, अब क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, साइन ऑफ आई ऑफ सी इज 1/μ, साइन ऑफ आई सी कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से निकलाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन आई सी क्या निकलेगा, 30/50, तो 30/50 इज इक्वल टू 1/μ, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, 5/3, तो तुम म्यू यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करके वी निकाल लेना आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि साइन सी इस ट्राइंगल से निकाल के म्यू आ गया क्योंकि साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, और एक बार आपके पास म्यू आ गया तो म्यू क्या होता है, C/V, तो वहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, कोई डाउट है इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, तुम्हें इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल बताना है म्यू और सॉरी आई सी, और मुझे पता है कि साइन ऑफ आई सी क्या होता है, 1/μ, तो अगर तुम मुझे म्यू बता दो तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो एक तरीके से तुम्हें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो क्रिटिकल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। तो लेकिन आपको कुछ और गिवन है, वो कह रहे हैं 45 डिग्री पे रे इंसिडेंट हो रही है, 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है एंड
ग्लास के अंदर वो डेविएट हो जाती है 15 डिग्री। देखो ये ना हो सकता है डायग्राम ना भी दे डेविएशन क्या होती है ये समझ लो। अगर लाइट बेंड ना होती तो लाइट बिल्कुल सीधी डॉटेड लाइन की तरफ जाती, पर फाइनली लाइट ने ये रास्ता चूज किया, ये डॉटेड नहीं किया, ये किया, इसे बोलते हैं नॉर्मल रास्ते से डेविएट हो गई। तो ये डेविएशन का एंगल है 15। जा तो सीधी रही थी पर रिफ्रैक्शन की वजह से मुड़ गई, कितना मुड़ गई, डेविएट हो गई। तो डेविएशन का एंगल कितना है, 15। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि ये एंगल कितना है, 45। ये रिफ्रैक्शन का एंगल है आर नॉर्मल के साथ, ये एंगल गिवन है 15। बाई वर्टिकली ऑपोजिट, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, 45 में से 15 गया तो आर क्या आया, 30। तो आर की वैल्यू इसमें 30 आ गई। तो तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पता लग गया 30, तुम्हें आई पता लग गया, तुम्हें आर की वैल्यू पता लगी 30। तो तुम स्नेल्स लॉ लगा लो, साइन आई बाय साइन आर। तो साइन ऑफ आई कितना है, 45, साइन ऑफ आर कितना है, 30। तो तुम क्या निकाल लोगे, म्यू। एक बार म्यू आ गया तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ। इस म्यू को यहां पुट कर देना, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से सी क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, बात खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो साइन सी की वैल्यू आ रही है 1/√2, और वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब एट 70 डिग्री जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजिंग एंगल या ग्रेजिंगली। ग्रेजिंग का मतलब होता है सरफेस के साथ चलना। तो देखो इसमें क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई दिख रही है, 70 डिग्री पे इंसिडेंट है दिख रही है, यहाँ पर रेयरर टू डेंसर है, टी आई आर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टी आई आर तब होता है जब डेंसर टू रेयरर है। तो आपकी लाइट रेयरर टू डेंसर है, उसकी रिफ्रैक्शन हो गई, लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई, यहाँ पर एंटर कर गई, अब वो इस सरफेस पे आती है। अब इस सरफेस दो बातें हो सकती हैं, पहली या तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ जाए, या फिर सरफेस के साथ चली जाए, या प्रॉपर टी आई आर हो जाए। टी आई आर हो गया फिर तो अंदर आ जाएगी। ग्रेजिंगली बोला, ग्रेजिंगली का मतलब क्या, सरफेस के साथ चलना। तो याद रखना जब ग्रेजिंग एंगल आएगा तो यानी कि आपकी लाइट इस सरफेस के साथ जा रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ऐसा तभी हो सकता है जब अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये सरफेस का नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसा तभी हो सकता है कि लाइट बाहर नहीं निकली जब ये क्रिटिकल एंगल होगा। पक्की बात है ये क्रिटिकल ही है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये डायग्राम क्लियर है, और इस डायग्राम में ये पहला नॉर्मल दूसरा नॉर्मल, दोनों नॉर्मल ने एंगल आपस में क्या बना रखे है, 90। नॉर्मल नॉर्मल 90 डिग्री पे है। तो फिगर क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या करना है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आज बचे हुए हैं अब मैं लगाऊंगा, मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, पहली स्नेल्स लॉ और दूसरी साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। बस पूरे हर न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट ही दो हैं, एक रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ और दूसरा टी आई आर, और इसमें दोनों हो रही हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है और यहाँ पर टी आई आर, साइन सी वाला कॉन्सेप्ट है, लगा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसके अंदर इस के ऊपर अगर ये एयर है तो म्यू 1 है, और ये क्या चीज़ है, ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिवनेस मुझे पता नहीं कितना है, निकालना है। तो पहले स्नेल लॉ लगाते हैं, 1 × sin of 70 इज म्यू × sin of r। पहली क्वेश्चन क्लियर है? तो मैंने फर्स्ट सरफेस पे क्या लगा दिया,
स्नेल्स लॉ लगा दिया। मेरे पास दो चीज़ें अननोन है, पहली अननोन क्या चीज़ है म्यू, और दूसरी चीज़ अननोन क्या है मेरे पास आर, एक म्यू और एक आर, सही है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और फॉर्मूला है और वो क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन ऑफ आई ऑफ सी बोलो क्या है, वन बाय म्यू। अब एक और प्रॉब्लम है, मेरे पास आई सी तो पता ही नहीं है क्या है, फिर मैं सोचता हूँ अगर आई सी निकालना तो म्यू चाहिए, म्यू भी नहीं पता क्या है, तो ना मुझे म्यू पता है ना मुझे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल पता है, कोई डाउट इसमें। पर एक बात मुझे ये पता है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आर और आई सी का जो सम है वो किसके इक्वल है, 90। आर और आई सी का सम क्या इक्वल टू 90। तो मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ, आई सी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो 90 माइनस क्या कर देता हूँ आर। चलो पुट करके देखता हूँ, साइन ऑफ आई सी, आई सी की जगह कितना 90 माइनस आर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ठीक, देखो मुझे पता नहीं क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, मेरे को इतना पता है कि मेरे को दो ही चीज़ें आती हैं, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, कहीं से कुछ एलिमिनेट हो जाए मेरी बात बन जाए, नहीं तो सोल्यूशन तो मेरे को भी याद है अभी मैंने क्या करना है। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ ट्रायल करेंगे, जब आप ये हिट एंड ट्रायल करेंगे तो ऐसा कुछ करते रहेंगे, मैं भी वही कर रहा हूँ, तो और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या आती है यहाँ पर, कॉस ऑफ आर, कॉस आर की वैल्यू कितनी है 1 बाय म्यू। ये भी एक ये इक्वेशन आ गई, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो अननोन हैं, कुछ बात बन भी सकती है क्योंकि आर अननोन है, कॉस आर है, वहाँ साइन आर है, वो म्यू है और ये भी म्यू है, मैं दोनों चीज़ें अगर मेरे एक भी वैल्यू पता लग गई तो दोनों आंसर आ जाएंगे, आर भी आ जाएगा और म्यू भी आ जाएगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला स्टेप मैं क्या करूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा एक काम कर लेते हैं हम, इसके अंदर 1 into sin of 70 इज म्यू इंटू साइन आर को ऐसे लिख लें, 1 minus cos square r, एक ही बात है, 1 minus cos square r का अंडर रूट क्या है, साइन आर। तो एक काम करते हैं, 1 into sin of 70 म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ 1 minus cos r की जगह 1 by μ² स्क्वायर। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कुछ शायद बात बन जाए, तो आप इसे अब सॉल्व करना, और इसकी वैल्यू से म्यू आएगा, अब वो कैसे आएगा वो आप देखें, म्यू आएगा और म्यू से फिर आर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक तरीका, ये एक तरीका। दूसरा तरीका जो इसने और बेटर तरीका लगाया, जो इस सॉल्यूशन में लगा हुआ है, वो ये कहते हैं एक काम करते हैं, आपके पास पहली इक्वेशन क्या है, स्नेल्स लॉ है ना, आपके पास पहली इक्वेशन क्या है, स्नेल्स लॉ। और क्या था स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ था 1 into sin of 70 इज म्यू इंटू कितना, साइन ऑफ आर। तो एक काम करते हैं, साइन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ऑफ 70 डिवाइडेड बाय म्यू, इक्वेशन नंबर 1, सही हो गया, मैंने भी ये किया था, यहाँ तक तो मैंने कर ही लिया। ठीक, दूसरा, फिर मैंने एक और इक्वेशन निकाली थी अभी, जिसमें मैंने वो TIR का कॉन्सेप्ट लगाया था, और TIR का कॉन्सेप्ट क्या था, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल वॉज 1 बाय म्यू, यही था, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या था, 1 बाय म्यू। ठीक, इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं, आर और आई सी का सम कितना है, 90। तो मैं यहाँ पर आर को एलिमिनेट करता हूँ, 90 माइनस आई सी एक ही बात है, मैंने अपने सोल्यूशन में पीछे में क्या किया था, आई सी को रिप्लेस किया था, अब मैं आर को रिप्लेस कर रहा हूँ, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, साइन ऑफ आर, आर की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 90 माइनस आई सी इज इक्वल टू साइन ऑफ 70 बाय म्यू ऐसे, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या जाएगी, कॉस ऑफ आई सी साइन ऑफ 70 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन ऑफ आई सी आ गया, कॉस ऑफ आई सी आ गया, सही है। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, और आपकी नॉर्मली बुक्स क्या करती हैं, वो कहती हैं जी एक और रेशियो ले लो, टेन ऑफ आई सी, टेन आई सी क्या होता है, साइन ऑफ आई सी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आई सी, साइन आई सी बाई कॉस आई सी टेन ही तो होता है। ऐसा क्यों किया किताब ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको पता था साइन आई सी क्या है, 1 बाय म्यू, कॉस आई सी क्या है, साइन ऑफ 70 डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू से म्यू ही उड़ गया, म्यू और म्यू उड़ गया, तो यहाँ पर अब वैल्यू आ जाएगी आई सी की,
और एक बार आई सी आ गया, तो आई सी आ गया तो समझो क्या आ गया, आर आ गया, फिर तो सारी चीज़ें निकल आएंगी, आर आ गया, आई सी आ गया, म्यू भी आ जाएगा। अब तुम ये कहो कि मेरे को फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप क्या करोगे, ये तो मैथ्स है। फिजिक्स में तो दो ही फॉर्मूले किए, एक स्नेल्स लॉ और एक TIR। अब तुम ये तुम्हारा हिट एंड ट्रायल है, और तुम मानोगे नहीं, बनाने वाले ने इतने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आज का लेक्चर इसी के ऊपर है। पहली दो ही क्वेश्चन में हमेशा यही लिखूंगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखना हर के अंदर डिफरेंट होता जाएगा, और यही प्रैक्टिस है, और यही प्रैक्टिस आपको अपने अनसॉल्व प्रॉब्लम में लगा के देखनी है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बहुत तरीके हैं, एन नंबर ऑफ मेथड होंगे इसका सॉल्व करने के, अपना अपना मैथ है। दो ही क्वेश्चन, एक स्नेल्स लॉ और एक TIR लगानी सीख लो, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है। ठीक, तो नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मिलती जुलती प्रॉब्लम है रादर। फर्स्ट सिचुएशन एज शोन, फाइंड मैक्सिमम एंगल आई फॉर विच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल फेस। वो कह रहा है कि एंगल निकालो मैक्सिमम कितना होगा, ताकि यहाँ पर आई सी की वैल्यू यहाँ पर TIR हो जाए, और अगर TIR हो जाए, लाइट सफर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये क्रिटिकल एंगल बनेगा। सेम क्वेश्चन है, तो मेरे को अब क्या निकालना है, अब मेरे को आई निकालना है, मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। आता क्या है मेरे को, इस बार म्यू गिवन है, मुझे आता क्या है, एक स्नेल्स लॉ एक TIR। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कैसे, ये क्या किया क्या नहीं किया, अपने लगा के देख लेते हैं। अपने को क्या निकालना है इसमें, फाइंड दी एंगल आई, ये निकालना है। कोई बात नहीं, म्यू इज इक्वल टू वन, लगाओ स्नेल्स लॉ, वन इंटू साइन ऑफ आई, 1.25 इंटू साइन ऑफ आर। अगर तुम मुझे साइन आर बता दो तो समझो आई की वैल्यू आ जाएगी। चलो साइन आर निकालने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो मेरे को फॉर्मूला क्या आता है, साइन ऑफ आई सी इज 1/μ, और इस बार मुझे म्यू पता है कितना, 1.25। चलो वैल्यूज अजीब हैं, पर अच्छी वैल्यूज हों, एंगल निकालने ईजी हैं, तो समझो यहाँ से आई सी की वैल्यू तो आई जाएगी। आई सी आ गया तो आर प्लस आई ऑफ सी कितने, 90 इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तुम यहाँ से आई सी निकाल सकते हो, तो समझो तुम्हारे पास क्या आ गया, आर आ गया। तुम्हारे पास आर आ गया तो समझो साइन आर आ गया, साइन आर आ गया तो समझो साइन आई आ गया, साइन आई आ गया तो आई आ गया। इस न्यूमेरिकल की ये समस्या है कि वैल्यूज बड़ी अजीब से एंगल्स के साथ कर रखे हैं क्वेश्चन, पर तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऐसे एंगल नहीं आते, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री आते हैं। तो एंगल्स की चिंता ना करें, बस कॉन्सेप्ट सीखें कि क्या लग रहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने किया, और हाँ ये कर लो, इसकी स्टेटमेंट अलग है लेकिन मेथड वही है। प्लीज इस स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन पूछने का इसमें स्टाइल चेंज किया है, मेथड वही है। क्वेश्चन ये है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। वो कह रहे हैं एक ना सोर्स है ये ना, और पानी में पड़ा हुआ है, लिक्विड में पड़ा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है। अ पर्सन इज व्यूइंग दिस सोर्स फ्रॉम द अबव द सर्फेस। ये कोई बंदा ना इस सोर्स को ऊपर से देख रहा है, पानी के अंदर से नीचे देख रहा है। आगे देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस। वहां पर ना एक डिस्क तैर रही थी और वो ओपेक है, और वो इस जो है इसकी सर्फेस के ऊपर तैर रही है। आगे द सेंटर ओ ऑफ द डिस्क लाइज वर्टिकली अबव द सोर्स। तो सेंटर ओ जो डिस्क है वो सोर्स के एग्जैक्टली ऊपर था। लिक्विड फ्रॉम द वेसल इज ग्रेजुअली ड्रेन्ड आउट
थ्रू अ टैप. वो कह रहे हैं जी लिक्विड का लेवल हम चेंज कर रहे हैं, हम ड्रेन करते जा रहे हैं पानी को, भर भी सकते हैं टैप से और खाली भी कर सकते हैं. आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट लिक्विड की क्या हो, क्या हो, फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल. मतलब मुझे ये पता ही ना लगे कि नीचे बल्ब है. अब ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये डिस्क तैर रही थी, सोर्स एग्जैक्टली नीचे था, लाइट आ रही है और यहाँ से लाइट बाहर ना आए. अगर लाइट यहाँ से बाहर आ गई तो समझो कि मेरे को पता लग गया नीचे सोर्स है, बल्ब है. तो मैं ये चाहता हूँ कि लाइट आए, यहाँ पे टच करे और सरफेस के साथ चली जाए लेकिन बाहर ना आए. यानी कि यहाँ पर एंगल क्या बनने वाला है, क्रिटिकल. मैं इतने पोर्शन में लाइट को अलाउ करता हूँ कि टक्कर मारती रहे लेकिन इसके बाहर बाउंड्री से लाइट बाहर ना आ पाए. तो आपका सेम क्वेश्चन बनेगा TIR वाला. ये रहा आपका ये डिस्क थ्योरी. आप ये चाहते हो कि लाइट यहाँ से बाहर ना आए, इसके लिए ये एंगल क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल. तो हर तरफ से क्रिटिकल एंगल है. तो अगर ये एंगल क्रिटिकल है तो ये एंगल भी क्रिटिकल है. आपको क्या बताना है, आपको हाइट बतानी है. इसमें मैथमेटिकल पोर्शन एग्जैक्टली वही है जो थोड़ी देर पहले किया था. तुम यहाँ पर क्या करोगे, साइन ऑफ IC निकाल लेना जो कि क्या है, 1/μ. ये आ गया. इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन ऑफ IC निकाल लेना जो कि क्या है, R/H. इस बार तुम्हें क्या निकालना है, H. तो H निकालना है तो ये टर्म आएगी. अब प्रॉब्लम क्या है, साइन ऑफ IC की वैल्यू पता है आपको जो कि 1/μ है. तो ये साइड क्या आएगी, √μ²-1. तो यहाँ पे टेन ऑफ IC की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/√μ²-. सॉल्व कर लेना, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी. R तुम्हें क्या बना है क्वेश्चन में. मेथड वही है, मेथड में कोई चेंज नहीं है, पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ रही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे चेंज हो गई इसमें. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है. जैसे नेक्स्ट है, ये देखो मेथड वही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर चेंज है. पढ़ लो क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, ठीक है. ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू वुड बी कन्फाइंड फॉर अ फिश अंडर वाटर. और डायग्राम भी ड्रॉ करो. वो कह रहे हैं कि इस केस में एक फिश है. आपको ये फिश क्या है, इमेजिन करो कि अगर एक फिश है और वो इस तरीके से जो लाइट जा रही है यहाँ पे TIR हो जाएगा. अब अगर कोई यहाँ से अगर मान लो एक रे निकलती है और अगर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल तो लाइट वापस आ जाएगी और ये लास्ट वैल्यू है क्रिटिकल सरफेस के साथ है. तो इमेजिन करो यहाँ से जो कोन बनेगा. अब जरूरी है कि कोन इतना बड़ा बने, कोन तो छोटा ही बन सकता है. तुम्हें बस ये एंगल बताना है क्या होगा, ये कोन का एंगल कितना है. तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ डायग्राम तो सेम ही है. तो यहाँ से साइन ऑफ IC तो निकाल ही लोगे. साइन ऑफ IC क्या है, 1/μ. तो वहाँ से IC आ गया और जो भी IC आएगा उसको डबल कर दोगे तो टोटल एंगल आ गया. और अगर आधा एंगल पूछा है उसको हाफ कर दो, आधा एंगल आ गया. क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस चेंज है, अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट सेम है. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चन किस टाइप से कैसे इसको सॉल्व करना है, इन टाइप के क्वेश्चन को.